क्या दिया है, 2 पार्ट 20, 4 2 पार्ट 20 दिया है और क्वेश्चन मार्क के जगह पर बोला है इस सारे को प्लस करने में क्या होगा। इसको निकालने के एकदम शॉर्ट ट्रिक्स है, घबराना नहीं है दोस्तों। देखिए सबसे क्या कॉमन आता है, 2 पावर 20, 2 पावर 20 से 2 पावर 20 कॉमन गया, मतलब क्या रहा, 1 1 1 1, 2 पावर 20 इंटू, ये क्या है, इंटू माने गुना, क्या है 4 हो गया दोस्तों। 2 पावर 20, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। एक फॉर्मूला था a पावर m इंटू a पावर n, अगर तुम्हारा बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, पावर प्लस होता है, m प्लस n। तो यहाँ पर बेस सेम है तो बेस 2 20 प्लस 2 कितना होगा, 2 22, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है दोस्तों। ए इज टू 2b इज टू 5c, तो हमें निकालना है ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा। एकदम आसान ट्रिक से दोस्तों, सबसे पहले क्या है ए है, तो ए को गायब कीजिए, इस दोनों को गुना कीजिए, कितना होगा 10। इज टू है, इज टू दे दीजिए। उसके बाद क्या है, बी निकालना है, तो बी को छोड़ दीजिए, इस दोनों को इंटू कीजिए, कितना होगा 15 हो गया इज टू। फिर सी निकालना है, तो सी को छोड़ दीजिए, बी और ए इंटू कीजिए, कितना होगा 6। यही इसका आंसर है। क्या दे है, फाइंड द मिसिंग नंबर, मतलब ये वाला ऑप्शन में कौन सा होगा, ये 4 से ये निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, इस वाले सीरीज में पहले ट्रिक समझ लेते हैं। इस दोनों को इंटू कीजिए, 2 इंटू 5 कितना होगा 10 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है 13 है, तो इस 3 से गुना कीजिए, कितना होगा 13, ये हो गया। सेम ऐसे इसको और इसको गुना कीजिए, 4 इंटू 6 कितना होगा 24, इंटू इस वाले 5 को इंटू कीजिए, कितना होगा 120, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। इस क्वेश्चन वाले मार्क पर कौन सा नंबर होगा, इस 4 ऑप्शन से हमें निकालना है। निकालने के लिए सबसे इसका और इसका लॉजिक समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 प्लस 8 कीजिए, कितना होगा 9, इस वाले 9 को इस वाले 9 से इंटू कीजिए, कितना होगा 81, जो हमारा यहाँ पर दिया है। सेम ऐसे यहाँ पर कितना है 15, 1 प्लस 5 कीजिए, कितना होगा 6, 6 से इस वाले 6 को गुना कीजिए, कितना होगा 36, जो हमारा यहाँ पर दिया है। सेम ऐसे ही यहाँ पर कितना है 14, 1 प्लस 4 कीजिए, कितना होगा 5, इस 5 से इस वाले 5 को गुना कीजिए, कितना होगा 25, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है।